वेलकम टू स्टेप अप आईएस। आज 13 अक्टूबर 2017 है और हम हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग से रिलेटेड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी बच्ची जिसका विवाह हो चुका है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कंसिडर किया जाएगा। तो इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल कैटालोनिया से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। ये आर्टिकल जो है वो बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। काफ़ी कुछ बातें की गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम इस आर्टिकल को लेकर सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में एज वेल एज प्रिलिम्स में, हम उसको कंसंट्रेशन में लेते हुए काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे बी आर अम्बेडकर जी के बारे में डिटेल में। ये आर्टिकल नोबल प्राइज़ से रिलेटेड है। अभी नोबल प्राइज़ जो दिए जाते हैं उसमें काफ़ी डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। 3 लोगों को फिजिक्स में ग्रेविटेशनल वेव के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया, लेकिन लीगो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और भी लोग थे जिनको कंसिडर नहीं किया गया। वुमेन को भी बहुत रेयरली नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें की गई हैं, हमारे एग्जाम में सिलेबस से कहीं नहीं जुड़ता ये, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए, गॉडमैनशिप, जो ये बाबा या सच्चा बाबा सच्चा डेरा के बारे में काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं, तो उसी पर लेफ्ट राइट और सेंटर व्यू डिस्कस किया गया है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ये आर्टिकल डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा करता है, डिस्कस करना है। हर फ्राइडे को एक एक्ट आता है, आज का एक्ट है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, और इसमें जो अमेंडमेंट 2008 में प्रपोज किया गया था उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, साथ ही एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे राइटिंग के लिए कोटेशन, मैन इज अ कॉम्प्लेक्स बींग, ही मेक्स डेजर्ट ब्लूम एंड लेक्स डाई। गिल स्टर्न का ये कहना था कि आदमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो इंसान है वो एक तरफ तो डेजर्ट में हरियाली लाने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ जो लेक्स उनके पास पानियों से भरी हुई हैं वो उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। तो आप इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं तो काम आ जाएगा। फैक्ट है 80% ऑफ सीवेज इन इंडिया इज अनट्रीटेड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है, यूज़ कर सकते हैं ऐसे में एज वेल एज एंसर्स में भी। चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं, सेविंग चाइल्ड ब्राइड्स, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़ सकते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है इसकी इम्प्लीकेशंस में कई सारी दिक्कतें हमें हो सकती हैं, और जो चाइल्ड मैरिज है ये भी एक समस्या वाली बात है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैरिज जो है वो माइनर गर्ल के साथ सेक्स करने का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, लाइसेंस नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। काफ़ी अनामली है, काफ़ी विरोधाभास है हमारे कानूनों में। जैसे कि इंडियन पिनल कोड जो है वो ये कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र की बच्चे या बच्ची के साथ सेक्स किया जाता है तो चाहे उसकी कंसेंट हो या ना हो उसे ऑफेंस माना जाएगा, रेप कंसीडर किया जाएगा। वहीं देखिए एक्सेप्शन दे दिया गया है हमारे आईपीसी में सेक्शन 375 में। उस जो सेक्शन 375 है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी बच्ची है जो 15 साल से उम्र के ऊपर है और वो किसी की ब्राइड है, मतलब कि वाइफ है, तो फिर अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आईपीसी की धाराओं में ही कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। एक क्वेश्चन था रवि का सेक्शन 375 पे, तो उसका जवाब भी आपको यही मिल जाएगा। अब एक्सेप्शन जो है शादी होने के बाद वही सिचुएशंस बदल जाएंगी, तो ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं चाइल्ड मैरिज के, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो बच्चियाँ होती हैं उनको इम्पैक्ट करता है, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ये छीन लेता है, उनकी जो बॉडी पर ऑटोनॉमी होती है बच्चियों की उसको ख़त्म करता है, साथ ही लाइफ के और एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर उनके डिसीजन लेने की जो राइट हैं उसको भी ये हर्ट करता है। आर्टिकल 14, 15 और 21 को भी हर्ट करता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं जजमेंट के। वैसे तो देखिए जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी को प्रोहिबिट करता है, लेकिन स्टिल इंडिया में लार्ज स्केल पर चाइल्ड मैरिज को प्रैक्टिस किया जाता है। हिंदुओं में 31.3% शादियाँ जो होती हैं वो चाइल्ड मैरिज की होती हैं, वहीं मुसलमानों में ये आंकड़ा 30.6% पे है। 12% शादियाँ ईसाइयों में यानी क्रिश्चियंस में भी चाइल्ड मैरिज की होती हैं, और 10% सिखों में भी ये केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डेटा फैक्ट है। देखिए इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई तो 15 साल से 18 साल के बीच की शादियाँ जो अभी हैं वो सभी इलीजिटिमेट हो जाती हैं, साथ ही उनके जो हस्बैंड हैं वो रेपिस्ट हो जाते हैं। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी को अलाउ करता है, तो इससे कैसे कोऑर्डिनेशन बैठेगा, ये भी एक समस्या वाली बात है। अब देखिए पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बात करते हैं। 2013 के पहले जो एज ऑफ कंसेंट थी, मतलब कि टीनेजर्स की एज ऑफ कंसेंट सेक्स करने का जो राइट था वो 16 साल तक था, बाद में इसको बढ़ा के 18 साल कर दिया गया कि मतलब 18 साल की कम उम्र के लड़के या लड़कियां अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं तो चाहे उनकी कंसेंट हो या ना हो उसे ऑफेंस मान लिया जाएगा। तो पॉक्सो एक्ट के साथ थोड़ा बहुत जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट करने का प्रयास किया गया। अब देखिए पॉक्सो एक्ट जो है वो कंसेंसुअल टीनेज सेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज कर देता है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 18 साल के ऊपर है
और वो ऐसे कंडीशन में पाए जाते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं, तो फिर उनको सज़ा दी जा सकती है। और इसके अंतर्गत ही जो 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं, साथ ही 16 साल से ऊपर हैं, उनको पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर वो सेक्सुअली किसी को असॉल्ट करते हैं, वैसे जो माइनर लोग होते हैं, मतलब ऐसे लड़के जो 18 साल से कम उम्र के हैं, अगर वो कोई सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत सजा दी जाती है। लेकिन पोक्सो एक्ट कहता है अगर उन्होंने बहुत ही हीनियस ऑफेंस किया है और वो 16 साल के ऊपर हैं, तो उनको आईपीसी के अंतर्गत सजा दे दी जाएगी। तो ऐसे प्रावधान पोक्सो एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि सभी 18 साल के ऊपर के या मतलब नीचे के जो बच्चे हैं, उनको एज ऑफ कंसेंट के नाम पर अगर सजा दे दी जाती है तो ये सही नहीं है। 18 साल की जो उम्र है वो एज ऑफ कंसेंट के लिए सही है या नहीं है, ये भी एक मूट क्वेश्चन है, एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। इसके अलावा देखिए जो एक्सेप्शंस हैं, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रिमूव करने की आवश्यकता है। साथ ही वर्डिक्ट के जो इम्प्लीकेशंस होंगे उनको समझ कर उसके हिसाब से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड है, पेपर वन से आप टॉपिक को जोड़ सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो पर्सनालिटीज़ का सेक्शन है। देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है, जिनको बाबा जी राव भी कहा जाता है, ये एक इंडियन जूरिस्ट हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया इस धरती पर, इस भूधरा पर। इन्होंने ये एक इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट जो था इसको भी इन्होंने लीड किया, अनटचेबल्स दलित के बारे में काफ़ी कुछ काम किया, वुमेन और लेबर्स के राइट के बारे में भी इन्होंने काम किया। इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन भीमराव अम्बेडकर जी का रहा है, बाबा जी का रहा है। अब देखिए टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, काफ़ी कुछ माइनर डिटेल्स आर्टिकल में है वो हमारे काम की नहीं है। 1920 में इन्होंने एक वीकली पेपर निकाला था मुकन्यक, इसका मतलब होता है लीडर ऑफ डम। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो इनका पहला ऑर्गेनाइजेशन था, वो फॉर्म किया था। 1927 में इन्होंने महत सत्याग्रह चलाया था महाराष्ट्र में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि वहाँ पर एक टैंक था महत, उससे पानी नहीं लेने दिया जाता था दलितों को, तो इसके खिलाफ में इन्होंने ये सत्याग्रह चलाया था। 12 नवंबर 1930 को इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और लीड किया था डिप्रेस क्लास को। 1930 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट नासिक महाराष्ट्र में इन्होंने लीड किया था, टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, जो कालाराम टेम्पल है महाराष्ट्र में, वहाँ पर दलितों की एंट्री बैन थी, तो इसके विरोध में इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक मूवमेंट चलाया था। 1932 में पूना पैक्ट मैकडोनल्ड अवार्ड को लेकर साइन किया गया था महात्मा गांधी जी के साथ, बाबा जी के द्वारा। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, जिसने 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया था, इनको 17-18 सीट मिली थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। इसके बाद इन्होंने 1946 में ये जो पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वाइप आउट हो गए थे कुछ भी, ये सीट जीत नहीं पाए थे। तो इसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैंने आपको यूँ ही बता दी, मुझे याद आ गई। तो 1942 में देखिए इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की थी उसका लेबर मेंबर चुना गया था, हालांकि इन्होंने 1946 में उससे रिज़ाइन कर दिया था। अंबेडकर जी को पहला लॉ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का चुना गया था। इसके बाद उन्होंने 1951 में सितंबर 1951 में रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, नेहरू जी से काफ़ी विवाद हो गया था बाबा जी का, अंबेडकर जी का, हिंदू कोड बिल को लेकर। अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इन्होंने जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आपको बताना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, आर्टिकल बताना है। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने बोला था। साथ ही जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको इन्होंने कहा था इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसे स्टेटमेंट काम आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए ये 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था खुद को, कई सारे लोगों ने कन्वर्ट किया था, लगभग 40,000 दलितों ने अपने आप को बाबा जी के साथ बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। और अल्टीमेटली 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी डायबिटीज़ की समस्या को लेकर, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन थी बाबा जी के बारे में जो मैंने आपको बताई अम्बेडकर जी के बारे में। देखिए पॉलिटिकल आइडियाज़ पूछे जाते हैं हमसे यूपीएससी में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि अनटचेबल्स को लेकर पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे, डेमोक्रेसी को लेकर आइडियाज़ क्या थे, नेशनलिज्म को लेकर आइडियाज़ क्या थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है और ये हमसे पूछा जाएगा। पहली बात तो देखिए अम्बेडकर जी जो थे, हम अभी बात कर रहे हैं अनटचेबल्स के बारे में, इन्होंने अनटचेबल्स की एम्पावरमेंट के लिए क्या कहा था। जैसे कि गांधी जी का कहना था कि रिफॉर्म लाया जा सकता है कास्ट सिस्टम में, जबकि भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि कास्ट सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता, इसका एकमात्र विकल्प है कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यही सारी समस्याओं की जड़ है।
दूसरा ये मानते थे कि कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो अपर कास्ट के हैं, उन्होंने अनटचेबल्स के लिए काफ़ी कुछ सिंपथी दिखाई है, काम किया है, लेकिन उन्होंने कुछ कंक्रीट एक्शन नहीं लिया है। तो अगर अनटचेबल्स के लिए कुछ काम किया जाना है तो इसके लिए अनटचेबल्स को खुद ही सामने आना होगा। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो डिप्रेस क्लास है उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करना चाहिए, उनको एजुकेशन लेनी चाहिए और सेल्फ रेस्पेक्ट को सामने रखकर काम करना चाहिए। चौथा जो इनका बात था, इनकी बात थी, वो ये थी कि डिप्रेस क्लासेस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन की मांग करी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने लीड किया था, पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ इनके रिजर्वेशन को लेकर। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही हैं। तो ये पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं अनटचेबल्स को लेकर। अगर आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जाता है अम्बेडकर जी का, तो देखिए ये मानते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को मेंटेन करती है, अच्छा होता है, पीसफुल मींस से चेंजेस लाए जा सकते हैं। कई सारे रीजंस थे अंबेडकर जी का सपोर्ट करने का डेमोक्रेसी का। पहला तो ये कि ये मानते थे कि डेमोक्रेसी में जो हेरिडिटरी पावर है वो नहीं होती है और जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको इंश्योर करने में मदद मिलती है। दूसरा, ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि वो सर्वशक्तिशाली है और वो सब कुछ कर सकता है गवर्नमेंट में, यहाँ पर इंडिविजुअल्स के पास पावर होती है। थर्डली, ये कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए लोगों का कॉन्फिडेंस हो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, तो एक अच्छी बात है। गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट था इनका डेमोक्रेसी का आइडिया। गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे जबकि अंबेडकर जी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे जिसमें एक सेंटर हो, बहुत स्ट्रांग हो, उसकी चर्चा ये करते थे। तो ये डेमोक्रेसी पर उनका आइडिया था। ये कहते थे कि डेमोक्रेसी कब सक्सेसफुल हो सकती है। पहला तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी अगर समाज में लाई जाएगी तभी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। दूसरा, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, टेरनी की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की जो व्यूज़ हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट ना करें, ये भी ज़रूरी है। तो ये बात उन्होंने कही। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट वाज अंबेडकर्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी? आपको बताना है क्या व्यूज़ थे, मैंने तो बता ही दिया है। हाउ इन द व्यूज़ ऑफ अंबेडकर्स डेमोक्रेसी, अंबेडकर्स डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ डिप्रेस क्लास एंड एम्पावरमेंट ऑफ अनटचेबल्स? कमेंट करिए 200 वर्ड्स में। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर व्यू गवर्नमेंटशिप पर। लेफ्ट व्यू में ये कहते हैं कि डेराज और आश्रम जो हैं वो तब तक फ्रीली काम करते रहते हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देता, जब तक कि वो किसी क्राइम में, रेप या मर्डर में इंडल्ज ना हो जाएं। कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत सारे साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं, मॉडर्न कंट्री मानी जाती है, लेकिन स्टिल जो सोशल सिचुएशन है वो मेडिवल पीरियड की तरह है। ये कहते हैं मॉडर्निटी के साथ साथ इरेशनलिटी अभी भी इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करती है। इसके साथ ही साथ बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेट बोर्ड मीटिंग्स में हम बहुत सारे जो बाबा लोग हैं उनको देखा जा सकता है। जो एजुकेशन है वो फ्यू रखते हुए कहते हैं कि एजुकेशन इनफ नहीं है, क्योंकि बाबा या डेरा को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादातर बहुत ही एजुकेटेड होते हैं। साथ ही जो पॉपुलर मीडिया है वो भी प्रमोट करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे वो सत्संग दिखा रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये इरेशनलिटी और सुपरस्टिशन को प्रमोट भी करते हैं, तो ये दिक्कतें हैं। राइट में ये कहते हैं कि देखिए कॉन्ट्रोवर्सीज तो बहुत सारी हैं लेकिन बाबा या फिर जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके हम कॉन्ट्रीब्यूशन को भुला नहीं सकते, जैसे कि बुद्धा और महावीर। इसके साथ ही साथ आप देख लीजिए गुरु नानक हैं, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। इसके अलावा प्रेजेंट में देखिए तो बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन जैसे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं इनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता, महज इस बात पर कि कुछ लोग कंट्रोवर्सीज़ में फंस गए हैं या कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर में देखिए ये व्यू है कि सेंटर वाले बताते हैं कि आखिर कारण क्या है, लोग क्यों इन डेराज पर या बाबा लोगों पर भरोसा करते हैं। जो बेसिक इशू है वो है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर गुरु लोग हैं ये बेसिक इशू जो है पॉवर्टी का उसको डील करते हैं। कई सारा ये स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हॉस्पिटल्स, चैरिटी वर्क्स, खाना खिलाना, ये सारे काम जो ये करते हैं इससे जो पॉवर्टी है वो लोगों की सॉर्ट आउट होती है, उनको थोड़ी मदद मिलती है, इस वजह से लोग इनको फॉलो करते हैं और इनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। इसके अलावा देखिए कि समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो इनको फॉलो करते हैं वो मार्जिनली या इकोनॉमिकली कमज़ोर होते हैं, मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं। जब वो इन डेराज में जाते हैं या फिर आश्रम्स में जाते हैं तो उनको इक्वलिटी या डिग्निटी फील होती है, वहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, दैट्स वाई लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिटिशियंस लगातार सपोर्ट करते हैं क्योंकि इन डेराज के पास या फिर आश्रम्स के पास बहुत बड़ा इलेक्टोरल बैंक होता है और पॉलिटिशियंस को ऐसा लगता है कि अगर ये इनको सपोर्ट करेंगे तो इनको इलेक्शंस में बेनिफिट मिलेंगे। अवेयरनेस और मीडिया एकमात्र जरिया हो सकती है इन समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये पूरा डिस्कशन हमने किया लेफ्ट राइट और सेंटर व्यू को लेकर। अगला आर्टिकल अवर्टिंग डिजास्टर से रिलेटेड है, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़ा जा सकता है, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट पे देखिए आर्टिकल्स बहुत कम ही आते हैं, जब भी आए तो आप उसे बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाएं, उसको तैयार करें। देखिए क्लाइमेट चेंज में हमें इन्वेस्ट करना होगा अगर हम डिजास्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। कैटेगरी 5 हरिकेन्स अभी आए कैरेबियन सी में,
कैटेगरी 5 हरिकेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत हाई इंटेंसिटी के हरिकेन्स होते हैं उनको कैटेगरी 5 के हरिकेन्स बोले जाते हैं। अभी तक हिस्ट्री में केवल 6 बार कैटेगरी 5 के हरिकेन्स आए हैं। पहली बार 1924 में आया था और अभी 2017 में आया है, और इसके पहले 2007 में आया था, ठीक है। तो ये कैटेगरी 5 के हरिकेन्स जो होते हैं काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो हम ये देख रहे हैं। इसके अलावा हम लगातार इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में फ्लड को देख रहे हैं। ड्रॉट आया है अफ्रीका के लगभग 20 देशों में, बहुत सारा डैमेज हुआ है, लोग मारे गए हैं। ये दिखाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। कंट्रीज़ जो लीस्ट डेवलप हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज से जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं हम उनका समाधान करें। 4.2 मिलियन लोग जो हैं वो प्रीमेच्योरली मर जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से, जो कि हीट या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से फैल रहा है। 40 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं डिज़ास्टर की वजह से। देखिए, 40 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ा डिज़ास्टर की वजह से, वो ऐसे देशों से बिलोंग करते हैं जहाँ जो कंट्रीज़ बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, बहुत कम पोल्यूशन फैलाते हैं। मतलब कि देखिए, पोल्यूशन किसी बाउंड्री में बाइंड नहीं होता। अगर यूएसए पोल्यूशन फैला रहा है तो नामीबिया को भी उसका भुगतान करना होगा। तो ज़रूरी है कि कंसेंसस बने, क्लियर कंसेंसस बहुत आवश्यक है। राइजिंग टेम्परेचर को लेकर जो वाटर वेपर्स का अमाउंट बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, ड्रॉट जो आ रहा है, रेनफॉल और फ्लड हो रहा है, इस पर कंसेंसस बनाया जाए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। पहला सैटेलाइट भेजा गया था, नाम था टॉपेक्स या फिर पोसिडॉन। ये 25 साल पहले भेजा गया था। इसने ये डेटा दिया है कि 3.4 मिलीमीटर ग्लोबल जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और 85 मिलीमीटर अभी 25 सालों में बढ़ चुका है। पेरिस एग्रीमेंट एक अच्छा मसौदा है कार्बन एमिशन को लो करने के लिए, लेकिन कंट्रीज़ ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन बोला है कि हम करेंगे, अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। अभी यूएसए अलग होने की बात कर रहा है, और भी कंट्रीज़ बाहर जाने लगेंगी तो काम कैसे चलेगा। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है नेचुरल जो कैपेसिटी है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की और एमिशन के बीच में, नहीं तब तक कोई दिक्कत मतलब आती ही रहेगी दिक्कत, अगर हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि नवंबर में यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बॉन में होने वाला है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ना केवल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात करें बल्कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पर भी हम बात कर लें। जो पॉवर्टी या रैपिड अर्बनाइजेशन है उससे जो समस्याएं आ रही हैं क्लाइमेट चेंज को, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, लैंड यूज़ अच्छे से नहीं हो रहा है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल है रेगुलेटरी अपग्रेड पेपर 2, से टॉपिक को जोड़ सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़। हम बात कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के बारे में। तो देखिए, पेस्टिसाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। फ्लिप साइड भी है, क्योंकि कई बार जो इनका इंपैक्ट होता है काफ़ी टॉक्सिक होता है, इस वजह से ज़रूरी है कि इनको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट करने की मसौदे से ही इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 पास किया गया था, लेकिन इस एक्ट में कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि कौन से लोग क्वालिफाई हैं इंसेक्टिसाइड्स को बेचने के लिए, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन जो है रजिस्ट्रेशन कमेटी में या सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड में वो सही नहीं है। इसके साथ ही साथ कितना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे कई सारे लूप होल्स इस एक्ट में हैं। इन्हीं लूप होल्स की वजह से 2008 में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हालांकि ये बिल अभी भी पेंडिंग है। ये सबसे पहले ये बिल पेस्टिसाइड को डिफाइन करता है, ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये और भी जो एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे रेगुलेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा बिल जो है वो इफिशियंट और इफेक्टिव यूज़ की भी बात करता है, साथ ही जो सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड है उसमें रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो इसकी बात करता है, टॉलरेशन लिमिट भी डिसाइड करता है, और कई सारे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी ये इसमें प्रावधान है कि अगर कोई अच्छी तरीके की अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड नहीं बेचता है तो उसको पनिश किया जाएगा। कई सारे प्रोविजंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए, आज की हम केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी ये है कि आप एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और आप मैरिड हैं, मतलब आपकी एक वाइफ भी हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर एक ही बहुत ब्यूटीफुल और यंग लेडी हैं जो कि स्टेनोग्राफर हैं। आपके साथ काम करते करते वो आपके काफ़ी क्लोज आ गई हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे इस केस स्टडी में। देखिए, आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेनोग्राफर हैं जो कि ब्यूटीफुल यंग लेडी हैं, स्मार्ट हैं, हार्डवर्किंग हैं, वो धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रही हैं। आपको उनका काफ़ी सारा असिस्टेंस देना पड़ता है आपके ऑफिस वर्क में। ऑफिस में और ऑफिस के बाहर ये र्यूमर्स फैल गए हैं कि आपका उन स्टेनोग्राफर के साथ अफेयर चल रहा है। चीज़ें और भी ख़राब तब हो जाती हैं जबकि वो स्टेनोग्राफर जो लेडी हैं वो इस बात को कन्फेस कर लेती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और ऑफिस मेंबर्स के साथ कि वो आपसे प्यार करती हैं, लव करती हैं। अब देखिए, आप अफेक्शनेट तो हैं उनके प्रति, लेकिन आप अपनी वाइफ के प्रति फेथफुल हैं। ये जो र्यूमर्स हैं जो कि कहता है कि जो स्टेनोग्राफर हैं और आपके बीच में अफेयर्स हैं, इससे जो आपका वर्क है वो अफेक्ट हो रहा है, साथ ही इस बात की जानकारी आपकी वाइफ को भी लग गई है
और इससे आपके और आपके वाइफ के जो रिलेशंस हैं उनके ख़राब होने की संभावना है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जबकि उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाती है बिकॉज कि वो आपके साथ हैं, आपकी अलाई हैं। इस सिचुएशन में बात ये है कि ये जो प्रेजेंट में पूरा सिनेरियो बना हुआ है, ये आपका रिलेशन जो आपकी वाइफ के साथ है उसको अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो आपकी पब्लिक इमेज है उसको भी इरोड कर रहा है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके पास है कि आप इस सर्कमस्टेंस में क्या करेंगे और आप कौन से स्टेप्स लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आपको ये भी बताना है कि क्यों, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो करना है वो ये करना है कि आप पर्सनली उनसे बात करिए, उस महिला से बात करिए, उस लेडी से बात करिए जो कि स्टेनोग्राफर हैं। आप उनको बताइए कि वर्क प्लेस पर ऐसी बातों को कन्फेंस करना कितना नुकसानदेह होता है, ये वर्क ऑफ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वर्क का, डिपार्टमेंट का, उसके खिलाफ है। साथ ही ये ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब कर रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट को ख़राब कर रहा है, बल्कि जो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट और पर्सनल लाइफ है उसको भी हैम्पर करेगा, ऑनर और इंटीग्रिटी को भी ख़राब करेगा। तो देखिए, ये ना तो उस लेडी के लिए अच्छा है और ना ही आपके लिए अच्छा है कि ऐसे र्यूमर्स उस सोसाइटी में या उस आसपास के एटमॉस्फेयर में फैलें। इस बात के बारे में आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे, साथ ही आप उनको डायरेक्टली ये बात भी बताएंगे कि आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ के प्रति आप बहुत ही लॉयल हैं और फेथफुल हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हैं तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बेहतर नहीं है, और ये जो रिलेशनशिप है आपकी और आपकी वाइफ के बीच में तो ऐसी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसी बातें कहकर आप उन लेडी को समझाने का, उस लड़की को समझाने का प्रयास करेंगे, पहला बात तो ये होगा। दूसरी बात ये है कि आप उनको ये भी बताएंगे कि देखिए, वो बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल हैं, ये आपको इन्फेक्चुएसन तो क्रिएट कर सकती हैं लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इस बात को उनको समझाने का प्रयास करेंगे। सेकेंड ऑप्शन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि आप ये सारी बातें अपनी वाइफ के सामने करेंगे। इससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो र्यूमर्स हैं ये गलत हैं, आपकी वाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उनको भी ये जो बात की सीरियसनेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, उनको समझाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। और अगर ये दो के दोनों ऑप्शंस काम ना करें तो फिर आप तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और वो ये है कि आप उनको ये बात, ये जो बात है आप ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं या फिर सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनके सामने ये बात रखेंगे और सबके सामने ये बात बताएंगे कि इसके जो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं, इससे आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो सकती है, साथ ही इन फ्यूचर अगर उनका प्रमोशन होना है तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आप ये स्टेप्स उठाकर उस लड़की को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी आपके पास थी, अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आज रिविजन में हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में चर्चा करी, बी आर अम्बेडकर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, गॉडमैनशिप पर चर्चा करी, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक आर्टिकल देखा, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के बारे में बात करी। तो ये डाउट सेशन में देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ज्योति का है मेरे पास कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। देखिए ज्योति, ग्रेविटी क्या होती है सबसे पहले तो आप ये समझिए, ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है। अगर कोई व्यक्ति के, मतलब किसी भी पार्टिकुलर के अंदर मास है तो उसकी ग्रेविटी होती है। जो डैम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बनाए जाते हैं और वो डैम्स बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रोकते हैं। ये जो वाटर होता है इसमें काफ़ी वेट होता है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर बनाता है इस डैम के ऊपर। तो ग्रेविटी डैम का मतलब ये होता है कि वो डैम अपने आप में इतना ज़्यादा भारी होता है, इतने ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी अपनी खुद की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस इस पानी के द्वारा, प्रेशर पानी के द्वारा लगाया जाता है वो उसको झेल सकता है। अभी बात क्लियर हो रही है, ग्रेविटी डैम का सिर्फ एक लाइन में मतलब ये है कि उस डैम का अपना खुद का इतना भार होना चाहिए कि वो इतनी ग्रेविटी क्रिएट कर सके कि जो पानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर बना रहा है उसको झेल सके। बस इतनी सी बात है, आप समझिए बिल्कुल सामान्य भाषा में। अगला एक क्वेश्चन है सुमित का, मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं है उसके बारे में। तो देखिए सुमित, मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज से बेहतर प्रोग्राम अवेलेबल है जो मैं आपको बताता हूँ। मेंस की टेस्ट सीरीज आपको तब काम आती है जब आप क्वालिटी आंसर्स लिख रहे हों, मतलब आपके आंसर्स में क्वालिटी हो, ठीक है। क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज में जब आप बैठते हैं तो आपको 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं लिखने के लिए। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो पहली बात तो आप अच्छे आंसर्स लिख नहीं पाते हैं, आपको पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी दिक्कत आती है। अभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द कॉज ऑफ मर्केंटलिज्म, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी नहीं जानते हैं, मर्केंटलाइजेशन के बारे में भी नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप क्वालिटी आंसर्स लिखें। जब तक आप क्वालिटी आंसर्स नहीं लिख पाते या फिर आपके आंसर्स लिखने की स्पीड नहीं है तब तक ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता, दैट इज़ लॉस ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। जो प्रोग्राम अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है वो पर्सनल गाइडेंस का होता है। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। इसमें आपको एक कोच अपॉइंट कर दिए जाते हैं आपके लिए। कोच सबसे पहले तो आपका इंडिविजुअल लेवल पर सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, आपको एक कोच डायरी मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको क्या पढ़ना है। कोच आपको टारगेट देते हैं कि आप
20 से 25 दिन में पॉलिटी हम खत्म करने वाले हैं साथ में मिलकर। कल आपको ये चार टॉपिक्स पढ़ के आने हैं। वो चार के चारों टॉपिक्स आप एक टाइम मैनेजमेंट डायरी पे पढ़ते हैं, और जब भी आप कोच से मिलने आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट डायरी के साथ आते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई है, तो आप उसे डायरी में नोट डाउन करके लाते हैं। परेशान नहीं होना है, कोच के सामने पर्ची रखिए और बोल दीजिए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आए हैं और आपको समझा दिया जाए। ये तो बात हुई आपकी पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, डाउट करने की और गाइड करने की। राइटिंग प्रैक्टिस बात करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस पे वो दो लेवल पे काम करते हैं। एक तो वो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, दूसरा वो आपका स्पीड टेस्ट लेते हैं। क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए वो आपको क्वेश्चन देंगे जिसे आप अपने घर से लिख कर लाएंगे। आप उस क्वेश्चन पे आधे घंटे 45 मिनट का समय देंगे, बहुत ही अच्छे से आंसर्स को लिखेंगे डायग्राम और पाई चार्ट के साथ, और उस क्वेश्चन को वो अपने सामने बैठा कर चेक करेंगे और बताएंगे क्या दिक्कत है। इसके बाद स्पीड टेस्ट लिए जाते हैं। स्पीड टेस्ट में आपको सामने बैठा दिया जाएगा, स्क्रीन पर टाइमर चलेगा, आपको समय दे दिया जाएगा, क्वेश्चन कोच बोलेगा, और आप 10 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे। ठीक है, शुरू में हो सकता है वो आपको 15 मिनट का समय दें, बाद में 12 मिनट, 10 मिनट, और टारगेट ये होता है कि कोच आपसे आपका आंसर 8 मिनट में लिखवाते हैं। हालांकि इसको अचीव करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, शुरू में आप जाएंगे तो आप 8 मिनट के अंदर आंसर लिखेंगे, कोच उस आंसर को ले लेगा, क्वेश्चन दूसरा देगा, आप उसे लिख रहे होंगे तब तक वो कॉपी चेक होगी। वैसे तो ये प्रोग्राम पर्सनल गाइडेंस का है, लेकिन पर्सनल टेस्ट में कई बार आपको 4-5 लोगों के साथ बैठा दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा कंपिटिटिव हो सकें। आप देखते हैं कि आपके बगल वाला 8 मिनट में आंसर लिख देता है और काफ़ी क्वालिटी आंसर्स लिखता है, जबकि आप नहीं लिख पाते, तो इंकरेजमेंट मिलता है, कोच आपको मोटिवेट करते रहते हैं, तो डिप्रेशन में जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और जब आपकी दोनों क्वालिटीज एनहेंस हो जाती हैं, आप अच्छी क्वालिटी के आंसर्स लिख रहे होते हैं और साथ में आप 8 मिनट में भी आंसर्स लिख लेते हैं। हालांकि इसका प्रोसीजर है, वो आपको टॉपिक पहले से बता देते हैं कि कल ये 20 टॉपिक हैं जिस पर हम स्पीड टेस्ट करेंगे, तो आप टॉपिक्स तैयार करके जाइए कि किस क्वेश्चन पे मुझे क्या, किस टॉपिक पे मुझे क्या इंट्रो लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है, आप इसके बारे में जानकारी बाकी डिटेल में लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो संजीव का है कि फासिज्म क्या होता है, तो मैं फासिज्म के बारे में बता देता हूँ। देखिए, फासिज्म लैटिन भाषा के फैसियो वर्ड से बना है। फैसियो का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। लकड़ी का गट्ठर जो होता है वो स्ट्रेंथ को, यूनिटी को दिखाता है, और कुल्हाड़ी स्ट्रेंथ को दिखाती है, तो ये फासिज्म का मतलब होता है। फासिज्म की जो फिलॉसफी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई। फासिज्म कुछ बातों पर कंसंट्रेट करता है। ये एक पोलिटिकल मूवमेंट था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। ये बात करता है, बहुत इमोशन पे बेस्ड होता है ये जो फिलॉसफी है फासिज्म की। ये हाइपर नेशनलिज्म की बात करता है, एथनिक सुपीरियरिटी की बात करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं, आप नाजिज्म और फासिज्म में कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाजिज्म इज़ नथिंग अ वेरिएशन ऑफ फासिज्म। नाजिज्म एक तरीके का फासिज्म ही है। जो भी लोग नाजी थे वो सभी फासिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते थे, उन्होंने सिर्फ नाम बदल दिया था कि हम नाजी हैं। ठीक है, बाकी सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, नाजिज्म की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, वो है फासिज्म की, और हर एक नाजी फासिस्ट था। इस बात को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इटली में जो मुसोलिनी थे वो फासिज्म के पड़ेता के, इटली फासिस्ट गवर्नमेंट भी उन्होंने तैयार करी थी। इसके अलावा जर्मनी में हिटलर फासिज्म को सपोर्ट करने वाले थे, नाजिज्म की उनकी आइडियोलॉजी थी, सभी लोग जानते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है फासिज्म का। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा नाजिज्म और फासिज्म के बीच में। नाजिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेरिएशन है फासिज्म का। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन मेरे पास है वो है रीता का, कि पनामा पेपर लीक क्या है। ठीक है, पनामा पेपर लीक के बारे में आपको बता देता हूं। एक संडे सर्जियो जियोतांग एक न्यूज़पेपर था जर्मनी का, इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया कि इनके पास 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कई सारी कंपनीज के हैं। इससे हड़कंप मच गया कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं। इसके बाद इन्होंने कई सारे न्यूज एजेंसीज के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया, जैसे कि द गार्जियन, बीबीसी न्यूज, सभी के साथ, और हर न्यूज चैनल पे पनामा पेपर लीक की चर्चा होने लगी। ये डॉक्यूमेंट किसके थे? ये डॉक्यूमेंट थे मोसैक फोंसेका के। ये मोसैक फोंसेका क्या था? मोसैक फोंसेका पनामा की एक लॉ एजेंसी थी। लॉ एजेंसी होने का मतलब क्या था कि बहुत सारे जो कंट्रीज के इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपने कई सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे सेल कंपनीज के, फर्जी कंपनीज के, वो इस लॉ फर्म के पास, पनामा लॉ फर्म था मोसैक फोंसेका, उसके पास रखे हुए थे। लेकिन ये पूरा का पूरा डेटा लीक हो गया जो एक जैपनीज न्यूज़पेपर था उसके पास। उन्होंने कहा कि ये जैपनीज न्यूज़पेपर ने कहा कि ये डेटा उनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस से मिला है। माना जाता है कि ईमेल को हैक करके ये डेटा चुराया गया था मोसैक फोंसेका की वेबसाइट से। इस डेटा में कई सारे ईमेल्स थे, पीडीएफ थे, फोटो फाइल्स थी, 40 सालों का डाटा था, जिसमें आप यूं, ये क्योस क्यों मच गया? क्योस इसलिए मच गया क्योंकि लगभग 12 हेड ऑफ स्टेट्स का डाटा इसमें था,
140 पॉलिटिशियंस का डेटा इसमें था, किस इंडियंस इंडियंस का भी नाम आया पनामा पेपर लीक के इस डेटा में। इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डेटा था, कई सारी फर्जी कंपनीज का डेटा था, तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम भी इसमें आ गया था, कई सारे प्रेशर में कई सारे जो एमपीज थे, ब्रिटेन के कुछ एमपीज का नाम आ गया था, इंडिया में अमिताभ बच्चन का भी नाम आया था, जो नवाज शरीफ है पाकिस्तान में उनका भी नाम आया था। तो पनामा पेपर लीक में कई सारे लोगों का नाम आया और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इससे जो क्रेडिबिलिटी थी वो ख़त्म हुई। अब एक बात तो क्लियर हो गई, करप्शन जो है वो खाली इंडिया में ही नहीं है, दुनिया के कई सारे देशों में है। तो ये पनामा पेपर लीक के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आप उसका जवाब दीजिए, कोई सजेशन है तो वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट।